हेलो फ्रेंड, आज मैं अपने गार्डन के कुछ स्नेक प्लांट दिखाऊंगी और मैंने गमले में भी इसे काफ़ी अच्छे से ग्रो किया हुआ है। स्नेक प्लांट दो तरीके के होते हैं। देखिए, इसको मैंने एक ला के बस लगाया था। इसे मैंने नर्सरी से नहीं लाया था, कहीं और से लेके आई थी मैं इसे। देखिए, एक की वजह से देखिए कितने सारे यहाँ पे रूट निकले हुए हैं। इसको मैं अभी सामने निकालूंगी और गमले में लगा के आपको दिखाऊंगी। देखिए कितनी आसानी से निकल गया। मैंने मिट्टी में पहले से पानी डाल दिया था कि थोड़ा ये गीला हो जाए और आसानी से निकल गया। देखिए कितना बड़ा है। अभी मैंने जो स्नेक प्लांट लगाया है उसे मैं छोटे से गमले में लगाती हूँ कि उस दिनों में ये आसानी से पकड़ लेगा और अच्छे से ये ग्रो करेगा। अब इसमें मैं कुछ ऊपर से मिट्टी डाल दूंगी क्योंकि इसमें मिट्टी काफ़ी ज़्यादा कम है। देखिए, अभी मुश्किल से 3-4 दिनों में ये काफ़ी अच्छी तरह से इसमें पकड़ लेगा और अच्छा ग्रो करेगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, काफ़ी लंबा है ये। ये उसी स्नेक प्लांट का कट किया हुआ है जिसे मैं पानी में ग्रो करूंगी। इसके रूट्स एक हफ्ते में निकल आएंगी, जिसकी मैं वीडियो बना के शॉर्ट्स पे डाल दूंगी आप लोग को देखने के लिए। देखिए उसी में का एक स्नेक प्लांट ये है। इसको मैंने ये बीच वाला लगाया था। इसकी अलग अलग देखिए, अलग अलग काफ़ी छोटे छोटे स्नेक प्लांट इसमें निकले हैं। एक ये निकला है। अभी जो मैं पानी में ये ग्रो किया है इसी में से उसको भी मैंने निकाल के उसको पानी में डाला है। देखिए छोटे से गमले में कितना घना निकला हुआ है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मैं दूसरे तरीके का स्नेक प्लांट दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें किनारे किनारे पीली धारियाँ होती हैं। ये देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। देखिए ये भी काफ़ी लंबा है। मैंने काफ़ी ज़्यादा स्नेक प्लांट लगा के रखे हैं। देखिए इसको भी मैंने छोटा सा लगाया था और ये काफ़ी धीरे धीरे बड़ा हो गया है। और ये मैंने एक छोटा सा ज़मीन में से निकाल के इसको मैंने लगाया है। इसको मैंने ज़मीन में से निकाला था, ये काफ़ी छोटा है। देखिए इसमें धीरे धीरे पत्तियाँ आनी शुरू हो रही हैं, किनारे किनारे ये पीला पीला दिखाई दे रहा है कि इसको मैंने काफ़ी छोटे पे से लगाया है। अभी उसी में का मेरा ये है, इसको मैंने काफ़ी दिनों से लगाया है, ये काफ़ी अच्छे से पकड़ लिया है। देखिए इसको मैं अंदर रखती हूँ, ये थोड़ा सा धूप की वजह से, गर्मी की वजह से थोड़ा सा ये किनारे किनारे से सूख गया है। ये काफ़ी सुंदर लगते हैं, घर में सजाने के लिए भी काम आते हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और एक इसी पीले में का मैंने पानी में ग्रो किया हुआ है। देखिए करीब 1 महीने हो गए। देखिए कितनी अच्छी इसकी जड़ें आ गई हैं। इसे मैं पानी में ही रहने दूंगी। कितना सुंदर लग रहा है। देखिए एक ये है, इसे भी मैंने गमले में ही लगाया है। इसको मैंने एक लगाया था, इसके चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा पौधे निकल आए हैं। इसी में से मैंने निकाल निकाल के अपने छोटे छोटे गमले में लगाया है। देखिए अभी भी काफ़ी छोटे छोटे पौधे हैं जो दिखाई दे रहे हैं। देखिए इसमें कुछ सदाबहार के भी बीज पड़ के पौधे निकल आए हैं, फूल भी खिल रहा है। अब उसको मैं निकाल नहीं रही हूँ, इसी में रहने दे रही हूँ। देखिए काफ़ी अच्छे से घना हो गया है। मैं ऊपर से दिखाती हूँ। इसमें देखिए काफ़ी छोटी छोटी रूट्स निकली हैं। देखिए
इसको मैं चाहूँ तो निकाल के छोटे छोटे गमलों में लगा सकती हूँ। देखिए कितने सुंदर ही लग रहा है। फिर मैंने इस एक वाइट गमले में भी यही पीला वाला ही स्नेक प्लांट लगा के रखा है। देखिए ये भी मैंने एक लगाया था और साइड से देखिए कितने कितने निकले हैं। एक ये निकला है, देखिए कितना बड़ा हो गया है। फिर एक ये छोटा सा निकल रहा है, इसमें से एक मैंने निकाल के छोटे गमले में लगाया भी था। देखिए एक इधर इतना बड़ा निकला है। फिर किनारे एक ये छोटा सा निकल रहा है। ये आउटडोर इंडोर दोनों तरीके का, ये इसे हम बाहर भी रख सकते हैं अंदर भी रख सकते हैं। ये हमें काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, दूर से दिखाते हूँ, काफ़ी बड़े हो गए हैं ये। देखिए एक मेरा ये भी स्नेक प्लांट है, ये भी पीला वाला ही है। पीला वाला मैंने ज़्यादा लगा रखा है क्योंकि ये देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं और काफ़ी अच्छे भी लगते हैं। इसमें भी इसको मैंने बीच में लगाया था, साइड में ही लगा दिया था। और देखिए कितनी इसकी कितने सारे इससे पौधे निकले हैं। देखिए एक ये निकला है, एक यहाँ पे है, एक ये साइड में निकला है, एक इधर साइड में निकला है। और काफ़ी इसकी पत्तियाँ मोटी मोटी हैं, कुछ पत्तियाँ धूप की वजह से सूख गई हैं। इधर मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है, धूप काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, हवा भी काफ़ी तेज़ लू चल रही है, इसलिए पौधे कुछ ख़राब हो जा रहे हैं। ज़्यादातर पौधे मेरे ख़राब हो जा रहे हैं। ये सारे पौधे मैं अपने घर में ही रखती हूँ, एक आध पौधे बाहर रखती हूँ। ये दोनों, ये वाला और ये वाला तो अंदर ही रहता है, जो काफ़ी सुंदर लगता है। ये वाला गमला मैं बाहर रखती हूँ, इसलिए इसमें कुछ बीजे गिर के सदाबहार के फूल निकल गए हैं, फूल भी खिल रहे हैं, तो मैं इसे निकाल नहीं रही हूँ, इसी में रहने दे रही हूँ क्योंकि ये भी इसमें सुंदर लग रहा है। मैं थोड़ी इसकी मिट्टी गोंद दे रही हूँ, ये थोड़ा और अच्छे से ग्रो करेगा। ये बिना केयर के आसानी से काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं। देखिए अब मैं एक पास रख के सारे पौधे दिखा देती हूँ आपको। देखिए ये मेरे बड़े गमले में है, ये एक छोटा गमले में है। देखिए ये सारे स्नेक प्लांट पीले धारी वाले हैं। देखिए एक ये और मेरे बड़े गमले में है, एक ये भी बड़े गमले में है। इसको मैंने पानी में ग्रो किया हुआ है, ये भी पीले धारी वाले हैं। ये मैंने छोटा सा पीले धारी वाला छोटा सा लगाया है गमले में। फिर एक ये भी मेरा पीले धारी वाला है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। ये मेरा दूसरे तरीके वाला स्नेक प्लांट है, जो बस ग्रीन कलर का होता है, इसे मैंने पानी में ग्रो किया हुआ है और ये छोटे गमले में है। और ये एक भी छोटे, ये एक और छोटे गमले में है। इसकी और वैरायटी मैंने ज़मीन में लगा रखी है, अभी दिखा। देखिए ये मेरा ज़मीन वाला, ये ज़मीन वाला मेरा स्नेक प्लांट है, जो काफ़ी घना है ग्रीन वाला। इसी में से मैंने निकाल के तीन जगह गमले में किया है, इसे भी मैं बड़े बड़े गमले में कर दूंगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा अगर ऐसी वीडियो आपको देखनी हो तो मैं और बनाऊंगी। देखिए एक बार मैं चारों तरफ से अपने प्लांट्स को घुमा के फिर से दिखा देती हूँ। देखिए दूर से कि पूरा इसका आ जाए। देखिए ये सारे छोटे छोटे वाले हैं, ये बड़े वाले हैं, ये भी बड़ा वाला है, ये एक छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है, ये एक ग्रीन वाला बड़ा वाला है। ये काफ़ी ज़्यादा हमें ऑक्सीजन देते हैं और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। इसे हम अपने घर में अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और तो मेरे चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, पहली बार बनाया, मतलब पहले भी एक दो बना चुकी हूँ, अगर कुछ गलत हुआ हो
तो माफ़ करिएगा। लाइस